हिमाचल प्रदेश के सोलन में स्थित विद्युत बोर्ड के एकमात्र सेंटर पर इन दिनों कर्मचारियों को बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है। इन दिनों भी सोलन में हिमाचल प्रदेश के 3 जोन के करीब 25 से 40 कर्मचारियों को फील्ड में किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। 12 दिन का ये प्रशिक्षण कर्मचारियों को दिया जाता है, जिसमें किस तरह से फील्ड में कार्य करना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं और किस तरह से जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए विद्युत बोर्ड सोलन के SDO राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर सोलन में है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के नए विद्युत विभाग में आने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अब तक 446 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इस साल का लक्ष्य बोर्ड द्वारा 525 कर्मचारियों का ट्रेनिंग देने का रखा गया है। उन्होंने कहा कि 25 से 40 कर्मचारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से जानकारी दी जाती है कि किस तरह से फील्ड में कार्य करना है, इसको लेकर फील्ड विजिट भी करवाया जाता है। वहीं ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आए कर्मचारी राहुल कश्यप और रंजना कुमारी ने भी बातचीत में बताया कि वे लोग यहां पर किस तरह से फील्ड में कार्य करना है, इसको लेकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और उन्हें बेहतर जानकारी यहां पर दी जा रही है कि आखिर किस तरह से फील्ड में जाकर खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे कार्य कर सकते हैं और किस तरह से जनता को राहत प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें कि सोलन में हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर बिजली विभाग में आने वाले नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि वे किस तरह से फील्ड में कार्य करेंगे, इसके लिए इंस्ट्रक्टर भी रखे गए हैं। और आपको बता दें कि अभी इस सेंटर में 14वें बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 525 कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य भी रखा है। कितने दिन आपको हो गए ट्रेनिंग लेते हुए? अभी सर हमारा 9वां 7वां दिन है। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग चल रही है सर, हमारे को सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है। किस तरह की सेफ्टी? काम करने का हमारा जो तरीका है, जैसे लाइन पे काम करते हैं कि कैसे किस प्रकार काम करना है, किन के नीचे जगह ध्यान रखना है, ताकि बिजली बोर्ड का भी हम फायदा करा सके और उसको या इक्विपमेंट्स को भी सेव कर सके। सेफ्टी के लिए सर हमारे को बताया गया है कि किस प्रकार पोल पे हमने काम करना है और किस तरह से हमने काम करना है, जिससे हम अपनी भी सेफ्टी कर सके और जो हमारे लिविंग थिंग्स है सारी उसकी भी सेफ्टी कर सके। रंजना कुमारी, आपका आपके फील्ड में किस तरह का काम रहता है? फील्ड में लाइन का काम रहता है सर, कि लाइन पर कैसे काम करना है, हमारा ट्रांसफॉर्मर का रहता है, मतलब किस तरह से इंस्टॉलेशन का भी रहता है। 8 दिन हो गए सर। किस तरह की ट्रेनिंग चल रही है? बहुत अच्छी ट्रेनिंग चल रही है सर। क्या कुछ सिखाया गया अभी तक? हर तरह से, मतलब हमें ट्रेन किया गया, हमें पोल कैसे खड़े करने हैं, हर तरह से सर्वे से लेकर, मतलब खुद की सेफ्टी से लेकर दूसरे इंसान की सेफ्टी और इंस्टॉलेशन की सेफ्टी और हमारे जो जनता है उनकी सेफ्टी से लेकर, ताकि हमारी सप्लाई 24 घंटे चलती रहे। जो ट्रेनिंग है ये पूरे हिमाचल का एकमात्र ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारे बोर्ड का, जिसमें इस साल ये मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अभी तक अप टू डेट 446 ट्रेनिंग्स हमारे ट्रेंड हो चुके हैं और इसमें लगभग हमारा जो टारगेट है इस साल का वो 525 ट्रेनिंग्स को ट्रेन करने का है, जिसमें हमारा ये 14वां बैच चल रहा है और इसके बाद हमारे 2 या 3 बैचेस और होंगे बचे हैं। इस तरह का प्रशिक्षण जो है इसमें दिया जाता है? इसमें हम जो ट्रेनिंग्स को लेटेस्ट जानकारी मुहैया कराते हैं और बेसिक ट्रेनिंग जो हमारे जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग्स के लिए रहती है, उसमें जैसे इनकी जो फील्ड की जॉब है, जैसे लाइंस में जो वर्क करते हैं या जैसे हमारी ट्रांसफार्मर या कोई कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स रहती है, उसका हम यहाँ पे सोल्यूशन निदान प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली इनको दोनों तरफ से इनको क्लियर करते हैं और इनके साथ साथ फील्ड विजिट्स भी हम इनकी करवाते हैं, कहीं जैसे सब स्टेशन विजिट करवाते हैं, ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप में इनको ले जाते हैं, फील्ड में कहीं साइट पे इनको प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं।